A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ दिस डे इन हिस्ट्री. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद लाभदायक है. एंड अलोंग विद दिस Towards the end of the video, we will also share some very crucial practice questions with you. क्योंकि ये सभी questions आज के facts पे ही आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए. इनके उत्तर को आप share कर सकते हैं हमारे साथ निरंतर रूप से in the comment box. तो आइए अब शुरू करते हैं 10th जुलाई की date, अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी important ऐतिहासिक facts की. The very first fact is associated with 1806, अर्थात 1806 से, when the Vellore Mutiny took place, अर्थात आज के दिन Vellore विद्रोह हुआ था. Vellore विद्रोह 1857 के भारतीय विद्रोह के लगभग 50 वर्षों पहले हुआ था. यह 10 जुलाई 1806 को Vellore, जो कि वर्तमान तमिलनाडु राज्य में है, वहां घटित हुआ था. और चाहे ये केवल एक दिन तक चला, परंतु ये बेहद इंपैक्टफुल था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने हिला के रख दिया. इट वॉज द फर्स्ट मेजर म्यूटनी बाय द इंडियन सेपॉयज इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. इस विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट कॉजेज वर डिसरिगार्ड ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडियन सेपॉयज बाय द ब्रिटिश, एंड द रिबेलियन वॉज ऑल्सो इंस्टिगेटेड बाय द सन्स ऑफ डिफीटेड टीपू सुल्तान, जो कि एक लंबे समय से 1799 वर्ष से Vellore फोर्ट में रह रहे थे, वहां कन्फाइंड थे. सर जॉन क्रैडॉक, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मद्रास आर्मी, हैड इश्यूड ऑर्डर्स जिसके अंतर्गत भारतीय सिपाहियों को प्रोहिबिट कर दिया गया फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस मार्क्स ऑन देयर फोरहेड्स एंड also to trim their mustaches and to shave off their heads. Now this offended both soldiers from Hindu as well as Muslim community. Revolt ke dauran, on 10th July 1806, the sepoys killed around 14 British soldiers. Iske saath 115 Englishmen ki hathya kari gai thi, who belonged to the 69th Regiment. They raised the flag of Mysore Sultanate over the Vellore fort. They also declared Tipu Sultan's son Fateh Haider as the king. Lekin kile se bhag nikle ek British adhikari ne Arcot mein maujood British sena ko satark kar diya aane wale khatre ke prati. From Arcot, British troops arrived in huge numbers under the command of Sir Rollo Gillespie. He was able to suppress the rebellion eventually. ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 350 से अधिक soldiers की इस लड़ाई में हत्या हो गई और equal number of soldiers were also badly wounded. अगर बात करें कि इस mutiny की significance या इसका impact क्या रहा, तो all the three Madras regiments who were involved in the Vellore mutiny were disbanded by the British. इसके अलावा John Cradock and other senior British officers who were responsible for introducing the new dress regulations, जिसके कारण instigate हुए थे Indian soldiers, they all were recalled to Britain. जो नए dress regulations थे, they were completely abolished. और ऐसा माना जाता है कि इस revolt की आने वाली 1857 की mutiny से कई तरह की similarities थी. दोनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म करके भारत की इंडिजिनस रूलर्स को रीस्टैब्लिश करना था. अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित 1927 अर्थात 1927 से, व्हेन फिलैंथ्रोपिस्ट राय बहादुर गंगाराम हैड पास्ड अवे, अर्थात परोपकारी और समाज सुधारक राय बहादुर गंगाराम का निधन आज के दिन हुआ. राय बहादुर सर गंगाराम वॉज एन इंडियन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट. उन्होंने सरकार से तकरीबन 200 किलोमीटर स्क्वायर की बेरिन अनइरिगेटेड लैंड लीज पर ली इन द मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, और विद इन 3 years उन्होंने मेहनत से और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से उस लैंड को
एक डेजर्टेड एरिया को कन्वर्ट किया इंटू ग्रीन फील्ड्स इरिगेटेड बाय वाटर दैट वाज टेकन फ्रॉम अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड सेवरल अदर स्मॉल इरिगेशन कनाल्स. दिस वाज द बिगेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइज ऑफ दैट काइंड अननोन एंड अनथॉट ऑफ इन द कंट्री बिफोर. और जो भी पैसा उन्होंने इससे कमाया ऑल ऑफ दैट ही गेव टू चैरिटी. वर्ष 1900 में ही वाज सिलेक्टेड बाय लॉर्ड कर्जन द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू एक्ट एज सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क्स इन द इंपीरियल दरबार व्हिच वाज टू बी हेल्ड इन कनेक्शन विद द एक्सेशन ऑफ किंग एडवर्ड 7. He received the title of Rai Bahadur in 1903 and was appointed a Companion of the Order of Indian Empire, CIE, in June 1903 for his services at the Delhi Darbar. He designed and built General Post Office, Lahore Museum, Atchison College, Mayo School of Arts and Ganga Ram Hospital, all in the city of Lahore. इसी कारण इन्हें अक्सर कहा जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर. ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हैविंग बिल्ट अ यूनिक ड्राइविंग फैसिलिटी जिसका नाम था घोड़ा ट्रेन अर्थात अ हॉर्स पुल्ड ट्रेन विच बिकेम अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दैट टाइम. और आज के संदर्भ में इसे रिवाइव किया गया एंड इट हैज बीन गिवन अ कल्चरल हेरिटेज स्टेटस इन फैसलाबाद विच इज इन पाकिस्तान. और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1949 से व्हेन इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर वाज बोर्न अर्थात भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था. सुनील मनोहर गावस्कर एक भारतीय कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड बॉम्बे इन क्रिकेट राइट फ्रॉम अर्ली 1970s टू लेट 1980s. ही हेल्ड द स्कोर ऑफ 34 टेस्ट सेंचुरीज फॉर ऑलमोस्ट 2 decades before it was broken by Sachin Tendulkar in 2005. He was the first person to score centuries in both innings of a test match 3 times. वह भारतीय टीम के कैप्टन रहे on several occasions in the late 1970s including early years of 1980 और वह इकलौते क्रिकेटर हैं टू स्कोर 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज एट 2 वेंचर्स वन इन पोर्ट ऑफ स्पेन एंड द अदर इन वानखेड़े स्टेडियम. वर्ष 1980 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 22 दिसंबर 1994 में उन्होंने बॉम्बे शेरिफ नाम की ऑनररी पोस्ट संभाली थी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. 2012 में उन्हें प्रसिद्ध BCCI's Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award bhi pradan kiya gaya during BCCI Annual Awards Function in 2011 to 2012 series. Aur agar baat kare inke dwara likhi gayi kuch really popular kitabon ki, so please remember the names are Sunny Days and Autobiography, Idols, Runs and Ruins, One Day Wonders. और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का कौन सा है. तो ये है संबंधित 1962 अर्थात 1962 से व्हेन टेलस्टार 1 कम्युनिकेशंस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय नासा अर्थात संचार उपग्रह टेलस्टार 1 नासा द्वारा लॉन्च किया गया था. टेलस्टार 1 इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा ऑन 10th जुलाई 1962. It was a satellite that allowed the first live broadcast of television images between United States of America and Europe. Isko launch kiya gaya from Cape Canaveral Air Force Station in Florida atop a Delta rocket. Aur yah 7 mahine ke alpkal ke liye hi active raha, which is overall a life which is much shorter than all contemporary artificial satellites. However, despite being deactivated and non-functional, it still exists in Earth's orbit. और अब आइए देखते हैं कौन से questions आज हमें करने हैं solve. The very first one is when had the Vellore mutiny occurred? अर्थात Vellore विद्रोह किस वर्ष हुआ? Options हैं A 1804, B 1805, C 1806 और is it 1807? The next question is who is known as the father of modern Lahore?
अर्थात आधुनिक लाहौर के जनक के रूप में हम किसे याद करते हैं? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं, जैसे कि ए हकीम अजमल खान, बी सैयद अहमद खान, सी गंगा राम और डी दौलत राम। द थर्ड क्वेश्चन इज हु हैड इन्वेंटेड अ यूनिक ट्रैवलिंग फैसिलिटी नेम्ड घोड़ा ट्रेन विच वॉज द हॉर्स पुल्ड ट्रेन, अर्थात किसने करी थी यह अनूठी यात्रा सुविधा इन्वेंट। ऑप्शंस है ए सर सैयद अहमद खान, बी लाला लाजपत राय, सी गंगाराम और इज इट डी मियां मीर। द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर बुक सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी, अर्थात सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी एम एस धोनी और इज इट डी कपिल देव। विद दिस द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज Which former cricketer was appointed as the sheriff of Mumbai in 1994? अर्थात वर्ष 1994 में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस है ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी रवि शास्त्री, डी के श्रीकांत। और आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, Which satellite had enabled the first live broadcast of television images between the US and Europe? अर्थात किस उपग्रह ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच टेलीविजन इमेजेस का पहला सीधा प्रसारण सक्षम कराया था? ऑप्शंस है ए टेलस्टार 1, बी रिले 1, सी ऑर्बिट 1 और इज इट डी स्कोर 1। एंड नाउ विद ऑल दीज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड सम वेरी हेल्पफुल फैक्ट्स, आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी लगातार हमें दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। विद दिस हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।